तो देखिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। उधर भारतीय तटरक्षक बल को भी ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर के रूप में एक नई ताकत मिल गई है। अब गुजरात के पोरबंदर में मेड इन इंडिया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 का तीसरा स्क्वाड्रन कमीशन किया गया और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जो हैं वीएस पठानिया, उन्होंने खुद पोरबंदर के तट से इस हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और अरब सागर में सुरक्षा में मुस्तैद एक युद्धपोत पर सफल लैंडिंग की। इसके कमीशन होने की वजह से पश्चिमी समुद्री तट की सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। समंदर की सीमाओं को महफूज रखने में जुटे भारतीय तटरक्षक बलों की मदद के लिए अब एक और जाबाज रक्षक की एंट्री हो गई है। इस नए रक्षक का नाम है ध्रुव मार्क 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। मेड इन इंडिया पूरी तरह स्वदेशी इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से भारतीय तटरक्षक बलों की ताकत कई गुना बढ़ गई है। मंगलवार को गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक बल ने ध्रुव मार्क 3 के एक स्क्वाड्रन को सेवा में शामिल किया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वीएस पठानिया ने खुद पोरबंदर के तट से इस हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और अरब सागर में सुरक्षा में मुस्तैद एक युद्धपोत पर सफल लैंडिंग की। We have in the Coast Guard. This is the latest technology that the HAL has provided us, and it's a made in India helicopter. This has strengthened our reach, strengthened our capabilities. Today, with the multi-engine helicopter, I can go deeper into the sea, provide assistance to fishermen, check whatever activities happening, carry out surveillance. हिंदुस्तान तीन तरफ से समंदर से घिरा है, लिहाजा दुश्मनों से खतरा भी तीन गुना बढ़ जाता है, लेकिन कोस्ट गार्ड्स की मुस्तैदी से देश की समुद्री सीमा हर वक्त महफूज है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की हिफाजत को मजबूत करने के लिए ध्रुव हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए मेड इन इंडिया ध्रुव हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को शामिल किया जाना रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर होते भारत की ताकत का नया सबूत है। अत्याधुनिक निगरानी रडार, संचार, सुरक्षा उपकरणों से लैस है ध्रुव, यानी टोही विमान के साथ साथ ये हमलावर हेलीकॉप्टर है। इसमें 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन लगाई गई है। यह हेलीकॉप्टर 1800 मीटर से अधिक दूरी के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से मार सकता है। यह हेलीकॉप्टर सभी मौसम में कार्य करने के लिए सक्षम है। भारतीय तटरक्षक के हवाई जहाजों के लिए इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। ये सभी प्रकार के हवाई जहाजों में जितने भी दुनिया में हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं मोस्टली उनमें यूज की जाती है। इसका जो मॉडिफिकेशन नीचे बेस प्लेट वगैरह है ये एएलएच ध्रुव ये मार्क 3 वर्जन है, तो इसके हिसाब से मॉडिफिकेशन किया गया है। इसको हम किसी भी दिशा में सर ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम मारक क्षमता है वो 6500 मीटर है सर, और जो इसकी इफेक्टिव मारक क्षमता है जहां तक ये डेफिनेटली अगर हिट हुआ तो मृत्यु पर किया तो 1850 मीटर है सर। इसका जो बैरल है वो 12.7 mm है, ग्राउंड 450 कैलिबर है, और ये एक मिनट में 1150 राउंड फायर कर सकती है। ये हमारा एम्यूनिशन बॉक्स है, एम्यूनिशन बॉक्स से सीधा जाके बेल्ट कनेक्ट होगा, यहाँ पे राउंड डलेगा, हम सीधा बंद है, बिल्कुल आराम से आप अपने टारगेट को बिल्कुल लोअर पोजिशन तक हिट कर सकते हो। अगर आपका जो टारगेट है जिसे आपसे हमला करना है दूर है तो आप इसको अपने हिसाब से दूर भी ले जा सकते हो। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल ध्रुव हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन अब तक कमीशन किए जा चुके हैं। मंगलवार को शामिल हुआ ध्रुव मार्क 3 का यह तीसरा कमीशन था। आईसीजी के मुताबिक कम से कम 13 एएलएच MK3 विमान शामिल किए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल का हिस्सा बनने के लिए स्क्वाड्रन ने 1200 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरी है। इतना ही नहीं, द्वीप तट पर पहली बार रात में तलाश और बचाव अभियान चलाने समेत कई अभियानों को पूरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।